नमस्कार दोस्तों, आज मैं समरसिबल मोटर का कनेक्शन करना आपको बताऊंगा। समरसिबल मोटर इस तरह से होती है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, समरसिबल मोटर की वाइंडिंग हो गई है, इससे चार तार बाहर निकले हुए हैं। इस तरह से इसकी वाइंडिंग होती है, देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए, और ये कनेक्शन साइड का ये है, देखिए यहाँ से। तो इसका कनेक्शन कैसे होता है आज हम इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए चालू करते हैं इसको। इसकी वाइंडिंग से चार तार बाहर निकले हुए हैं, दो रनिंग वाइंडिंग के और दो स्टार्टिंग वाइंडिंग के। दो मोटे हैं और दो पतले हैं। रनिंग वाइंडिंग वाले मोटे हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग वाले पतले हैं। जब मोटर डबल फेस की रहती है तो चारों वायर एक समान होते हैं, यानी कि पतले पतले या फिर मोटे मोटे जो साइज के होते हैं तो सब एक ही साइज़ के होते हैं चारों। लेकिन जब सिंगल फेस की मोटर रहती है तो उसमें जो रनिंग वाइंडिंग होती है तो मोटे वायर से होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले वायर से होती है। इस तरह से केबल होती है, केबल जोड़ करके इसका कनेक्शन हम करेंगे, तो आप समझिए। पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ चार तार हैं और इसमें तीन तार हैं, यानी कि एक कामन है। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को मिला करके कामन बनाते हैं। कामन कैसे बनाते हैं ये आपको बता देते हैं। इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं, देखिए, और इसको जो लंबे हैं इसको बराबर से काट लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। ये देखिए, जहाँ से आपको हो इस तरह से ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे करके, और यहाँ से इसको बराबर से काट लेते हैं। अब हम कामन मोटर का जो डायरेक्शन होता है, देखिए जैसे ये मोटर है ना, इस डायरेक्शन में घूमेगी, ऐसे ऐसे नहीं घूमेगी, ऐसे घूमेगी ऐसे। तो उसका सही डायरेक्शन में यदि कामन नहीं बनाएंगे, सही से कामन नहीं बनाएंगे तो मोटर उल्टा घूमने लगेगी। तो आपको कामन बनाते समय ज़रूर ध्यान देना है। ये देखिए, ये है मोटा वाला यानी रनिंग वाइंडिंग का वायर, और ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर यानी कि पतला वाला। इसको पकड़िए चाहे इसको पकड़िए, इसको आप पकड़ेंगे तो इससे, ये रनिंग वाइंडिंग के वायर को ध्यान देना है, ये रनिंग वाइंडिंग का वायर है, इससे इस साइड में स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर लेना है। ऐसे देखिए, आप ऐसे रखेंगे तो इस हाथ के तरफ रनिंग वाइंडिंग का वायर होना चाहिए मोटा वाला, और इस हाथ के तरफ पतला वाला यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर होना चाहिए। इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई है, इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसको फटाफट से उतार लेते हैं। समरसीबल मोटर वाइंडिंग करने में जो वायर यूज होता है, वाटर फील्ड समरसीबल मोटर को वाइंडिंग करने में, उसमें प्लास्टिक चढ़ी होती है। अब देखिए, इस साइड में है रनिंग वाइंडिंग वाला मोटा वाला, और इस साइड में है पतला वाला यानी कि स्टार्टिंग वाला। इसको दोनों को इकट्ठा जोड़ेंगे किसमें, इस तरह से केबल लेंगे। ये देखिए केबल है, केबल के हरे वाले वायर में, कामन वाले में। ध्यान से, यही ध्यान देने में यदि गड़बड़ी करते हैं तो दिक्कत हो जाती है, मोटर उल्टा चलने लगती है, तो ध्यान जरूर दें कामन बनाते समय। आप इसके लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि कामन कैसे बनाते हैं। अब बाकी दो वायर बच रहे हैं और इसके दो तार बच रहे हैं, यहाँ तो दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ कामन बनाने में ही दिक्कत हो जाती है। हालाँकि जो मिस्त्री हैं तो उनको पता रहता है, जो नए नए कभी कभार दिक्कत कर देते हैं तो नए वाले मिस्त्री दिक्कत करते हैं। इसको अच्छे से ऐसे दबा लेंगे। अब देख लीजिए, अब दो वायर इससे बच रहे हैं, एक लाल वाला बच रहा है और एक पीला वाला, यानी कि इसमें से जो रनिंग वाइंडिंग का मोटा वाला है उसमें केबल के लाल वाले को जोड़ेंगे, और जो पतला वाला है, ये देखिए ये पतला वाला है स्टार्टिंग वाइंडिंग का, उसमें पीला वाला जोड़ेंगे। चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं, पहले इसमें टेप मार देते हैं। इस तरह से होता है कच्चा टेप, ये बंडल में भी आता है, पहले हम इसमें कच्चा टेप लगाएंगे और पक्का टेप बाद। अच्छा वाला कच्चा टेप और पक्का टेप लेना है आपको। ये देखिए, इस तरह से काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में,
और इसके ऊपर लपेटेंगे, इसको यदि आप इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए फटाफट से इसको लगा लेते हैं। टेप कच्चा टेप मार रहे हैं अभी, इसके ऊपर से पक्का टेप लगाना पड़ेगा। कॉमन वाला वायर है जिसमें दो वायर को इकट्ठा करके ये इसमें जुड़े हुए हैं हरे वाले में, अच्छे से लगा लेंगे। वाटर प्रूफ जॉइंट लगाना पड़ेगा दोस्तों, और जो पक्का टेप यूज करेंगे भी अच्छा वाला होना चाहिए, ख़राब जो 10 रुपये 5 रुपये मिलता है उसका यूज करेंगे तो तुरंत खुल जाएगा और पानी इसके अंदर घुस जाएगा। देखिए इसमें कच्चा टेप मार लिए हैं, अब मारेंगे पक्का टेप। कच्चा टेप पक्का टेप पहचानना नहीं आता तो देख लीजिए, इस तरह से होता है कच्चा टेप और यह है पक्का टेप। ये बंडल के रूप में ऐसे में भी आता है लपेटा हुआ, और किलो के हिसाब से भी मिल जाएगा मार्केट में। इसके ऊपर से इसको अच्छे से मारेंगे, इस तरह से होता है समरसिबल मोटर का कनेक्शन। देखिए यहाँ पर कच्चा टेप पक्का टेप दोनों मार दिए हैं, अब हम जोड़ लेते हैं लाल वाले वायर को मोटे वाले में, इसको भी छील लेते हैं। इस तरह से इसका कवर उतारेंगे, दोनों का कवर उतार लिए हैं और लाल वाले में मोटा वाला जोड़ेंगे, यानी कि रनिंग बाइंडिंग का, इसी पर मोटर परमानेंट रन करेगी। लाल वाला वायर है ये, देखिए ये मोटा वाला वायर है, मोटे वाले वायर को लाल वाले जोड़े हैं केबल के लाल वाले पॉइंट में। इस पर भी इसी तरह से टेप लगा लेते हैं, पहले कच्चा टेप लगाएंगे इसके बाद पक्का टेप मारेंगे। देखिए मार लिए हैं कच्चा टेप, मार देते हैं पक्का टेप ऊपर से। सभी में इसी तरह से तीनों जॉइंट में लगाएंगे, पहले तीनों जॉइंट में कच्चा टेप मारेंगे, इसके बाद पक्का टेप, प्लेनर कटर हो गया, ग्राइंडर हो गया, मिक्सर हो गया, सभी की रिपेयरिंग की वीडियो आपको समय समय पर इस चैनल पर मिलती रहती है। अब देखिए ये पतला वाला है और ये पीला वाला है बचा है, इसको इसमें जोड़ देंगे इस तरह से। इसमें भी उसी तरह से कच्चा टेप पक्का टेप मार लेते हैं जैसा कि इनमें मारे हैं फटाफट से देहाती भाषा। ये देखिए कच्चा टेप पक्का टेप सब मार लिए हैं, एक इस वाले में बाकी है तो इस वाले में ही मार लेते हैं, अब से आपको समय समय पर मिलता रहता है। ये देखिए जॉइंट लगा लिए हैं इस तरह से, जो कोई केबल होती है मोटर की यहाँ पर देखिए निकले होते हैं वायर, अब इसको तीनों को इकट्ठा करके पक्का टेप मार देंगे और मोटर का हो जाएगा कनेक्शन। फिर हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में इस मोटर की फिटिंग कैसे करेंगे।
चलिए फटाफट इसको सब समेट लेते हैं एक में और टेक मार देते हैं दो तीन बार इसको ऐसे फटाफट इसमें लग जाइए। ये देखिए और हम इसमें लग जाते हैं। आपको ओरिजिनल वाला पक्का टेप लेना है। यदि 10 रुपये 5 रुपये वाला पक्का टेप आप मारेंगे तो दिक्कत हो जाती है, खुल जाता है। ये देखिए बस अब इसको इस तरह से अभी बांधेंगे। ये जो रस्सी है ना देख रहे हैं, रस्सी किनारे किनारे पर लपेटी हुई, इसको इस तरह से इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से बांध देंगे। ये ऐसे ऐसे इस तरह से। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, मोटर की फिटिंग करना बताएंगे, फोर्स कंपनी की 1.5 HP की मोटर की फिटिंग कैसे होती है।